वेलकम बैक स्टूडेंट। पिछला क्लास में हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ चुके थे, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंसिबिलिटी। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को फिर से बता रहा हूँ कि मैंने वीडियो लेक्चर का नोट्स और DPP वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। और ख़ास करके वीडियो लेक्चर का नोट्स आप पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद वीडियो देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिज़िकल मीनिंग से। डिफरेंसिबिलिटी का फिज़िकल मीनिंग क्या होता है? सपोज़ y इक्वल टू fx कोई फंक्शन लेते हैं, तो अगर हम लोग एवरेज रेट ऑफ चेंज का बात करें तो वो हो जाएगा अपना चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, डैट इज डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। डेल्टा y डैट मीन्स चेंज इन y, डैट मीन्स f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस fx। हेयर डेल्टा x मीन्स डेल्टा एक्स मीन्स चेंज इन एक्स, डैट मीन्स x2 - x1 फाइनल माइनस इनिशियल। अगर यहाँ पर हम लोग का ये जो इंटरवल है डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स क्या है अपना इंटरवल है, मतलब डैट मीन्स x2 - x1 है। अगर ये इंटरवल टेंडिंग टू जीरो हो जाए, मतलब डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो हो जाए, तो यही एवरेज रेट ऑफ चेंज जो होगा वो अपना इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब हो क्या रहा है एक्चुअल में, दो पॉइंट था x1 और x2, वो दोनों पॉइंट का बीच का जो इंटरवल है वो छोटा होते होते इतना छोटा हो गया कि वो एक सिंगल पॉइंट में कन्वर्ट हो गया। और उस पॉइंट पे अगर हम लोग रेट ऑफ चेंज का बात करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। डैट मीन्स इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इज़ द लिमिटिंग पोजिशन ऑफ द एवरेज रेट ऑफ चेंज। मतलब एवरेज रेट ऑफ चेंज में लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो कर दे तो वही हो जाएगा अपना इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, जिसको हम लोग dy/dx से भी हम लोग लिखते हैं। जैसे कि एग्जांपल आप लोग फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डैट मीन्स ds/dt, विच कैन बी रिटेन एज द लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस ft/dt। उसी प्रकार से अगर एक्सेलरेशन का बात करें तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ∆v/∆t का लिमिटिंग वैल्यू, डैट मीन्स लिमिट ∆t→0 ∆v/∆t। और ये अपना क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये तो था अपना फिजिकल मीनिंग। मतलब फिजिकल मीनिंग क्या है एक्चुअल में, एवरेज रेट ऑफ चेंज में ही अगर लिमिट लगा दे तो वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज में। तो चलिए अब हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या किए, y इज इक्वल टू fx का ग्राफ हम लोग ड्रॉ किए हैं। कोई पी पॉइंट है अपना ग्राफ में, कोई भी पी पॉइंट ले लिए c, fc, उसके नेबरहुड में कोई दो पॉइंट लिए हैं q और r। नेबरहुड जो इंटरवल है वो बहुत ही स्मॉल है, डैट मीन्स हेयर c - h इज़ वेरी नियर टू c एंड c + h इज़ ऑल्सो वेरी नियर टू c, दोनों बहुत नज़दीक है। तो अगर हम लोग PQ और PR कॉर्ड का स्लोप निकालेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, स्लोप क्या होता है, y2 - y1 / x2 - x1, स्ट्रेट लाइन में हम लोग पढ़ चुके थे। तो PQ का स्लोप अगर निकालेंगे तो PQ का स्लोप जो होगा वो अपना क्या हो जाएगा, y2 - y1, डैट मीन्स f(c - h - fc)/c - h - c। और इसको हम लोग लिख सकते हैं f(c - h - fc)/-h। उसी प्रकार से कॉर्ड PR का अगर स्लोप निकालेंगे तो ये आ जाएगा अपना f(c + h - fc)/h। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो पॉइंट आपको Q और R दिख रहा है वो अगर मूव करते करते P के पास पहुँच जाएगा तो वो दोनों कॉर्ड है वो क्या बन जाएगा, एक यूनिक टेंजेंट बन जाएगा, दिख रहा है यहाँ पर, है ना, एक यूनिक टेंजेंट बन जाएगा। डैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट P इज़ द लिमिटिंग पोजिशन ऑफ द कॉर्ड ड्रॉन फ्रॉम Q and R। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, वो जो दोनों कॉर्ड था वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, यूनिक टेंजेंट में, जिस उसी को हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव भी बोलते हैं।
तो जब ऐसा सिचुएशन हो, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर हो, तो हम लोग कहते हैं कि वो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है, और उस पॉइंट पे हम लोग एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। सो ज्योमेट्रिकली इसका मीनिंग क्या हुआ? ज्योमेट्रिकली डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन रिप्रेजेंट यूनिक टेंजेंट एट पॉइंट सी। देखिए यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है, द फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट दोज पॉइंट ऑन विच फंक्शन हैज़ जम्प्स और होल्स एंड शार्प एजेस। मतलब जहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होगा, जहाँ पर होल्स होगा या जम्प होगा, वहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और सेकेंड, जहाँ शार्प एज होगा, शार्प एज कहने का मतलब कुछ ऐसा फंक्शन हो, जैसे ये हम लोग पढ़ चुके हैं वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, है ना। तो जीरो एक्स इक्वल टू जीरो पे, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे क्या शार्प एज दिख रहा है हम लोग को, है ना। तो ऐसा फंक्शन जो होगा वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। चलिए कुछ ये एग्जांपल हम लोग देख लेते सॉल्व करके। अपना फर्स्ट एग्जांपल है, सो डैट एफ एक्स इक्वल टू मॉड एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। अगर हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये अपना आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो अपॉन माइनस एच। तो ये अपना एफ ऑफ जीरो माइनस एच, डैट मीन्स माइनस एच को अगर हम मॉड में रखेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो एच अपॉन माइनस एच क्या आ जाएगा, माइनस वन। सिमिलरली अगर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच। और यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे तो अपना राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है, वन। तो साफ साफ दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है, इसलिए ये फंक्शन जो होगा वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे लिमिट में हम लोग क्या करते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालते थे। यहाँ पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालना नहीं है, सिर्फ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का बात करना है। अगर वो इक्वल हो गया तो डिफरेंशिएबल होगा, और अगर इक्वल नहीं हुआ तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है अपना, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन वन बाय एक्स वेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो वेन एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये हम लोग कंटिन्यूटी में भी पढ़ चुके थे कि ये कंटिन्यूस होता है लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इसे हम लोग आज चेक करेंगे। तो कंटिन्यूटी पार्ट आप लोग खुद से देख सकते हैं, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो वो अपना जीरो आएगा, और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो वो भी जीरो आएगा, और जीरो पे जीरो दिया हुआ है, डैट मीन्स कंटिन्यूस है, ये हम लोग पहले ही देख चुके थे। अभी अगर हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अपना आएगा लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो अपॉन माइनस एच, जिसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस एच साइन वन अपॉन माइनस एच माइनस जीरो, क्योंकि एफ ऑफ जीरो क्या है, जीरो अपॉन माइनस एच। तो यहाँ से माइनस एच कैंसिल हो जाएगा, लेकिन साइन साइन ऑफ माइनस एच, तो यहाँ से अपना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है माइनस के, वेयर के लाइज बिटवीन माइनस वन टू वन। उसी प्रकार से अगर हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो राइट हैंड डेरिवेटिव आ जाएगा अपना के आएगा। तो साफ साफ दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है, इसका मतलब एफ एक्स डिफरेंशिएबल, एक्स इक्वल टू जीरो पे एफ एक्स डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बहुत ही फेमस थ्योरम है, इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए देन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। डैट मीन्स अगर कोई फंक्शन एक्स इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएबल है तो डैट मीन्स वो नेसेसरली कंटिन्यूअस होगा, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। मतलब अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये ज़रूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल होगा। तो इसका प्रूफ चलिए देख लेते हैं। सिंस ये फंक्शन डिफरेंशिएबल दिया हुआ है, डैट मीन्स लिमिट इसका एग्जिस्ट कर रहा है। लिमिट एफ एफ डैश ए अगर निकालेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा अपना लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ये जो होगा इसका लिमिट वो क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। अल्सो हम लोग अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, इसमें अगर हम लोग एस से
मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे, तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। और ये जो पार्ट है, ये पार्ट, ये क्या हो जाएगा अपना एफ डैस ए, और एफ डैस ए इंटू एच, एच टेंडिंग टू जीरो है, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, जीरो। तो मतलब यहाँ से ये जो चीज़ है वो ज़ीरो के बराबर आ रहा है, तो एफ ए को अगर हम लोग राइट साइड ले दे ले जाए तो ये हो जाएगा अपना लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए, मतलब राइट हैंड लिमिट जो है वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर आ गया। सिमिलरली अगर हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो अपना लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शनल वैल्यू के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू बराबर आ गया, तो मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा x इक्वल टू a पे। अच्छा, किसी इंटरवल पे डिफ्रेंसिबल है उसके लिए क्या कंडीशन है। सबसे पहले अगर हम लोग ओपन इंटरवल का बात करें, ओपन इंटरवल ए बी में डिफ्रेंसिबल तभी होगा जब उस इंटरवल के ईच एंड एवरी पॉइंट पे वो डिफ्रेंसिबल हो। और अगर हम लोग क्लोज इंटरवल ए बी पे बात करें तो क्लोज इंटरवल में डिफ्रेंसिबल तभी होगा जब, जैसे ए ए इंटरवल है अपना ए से बी, तो ए पे अपना राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए और बी पे अपना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, तब वो डिफ्रेंसिबल होगा। और उसके बीच का हर एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट अगर हम लोग ले ले सी विच लाइज बिटवीन ए एंड बी, तो उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब जाके वो पूरा क्लोज इंटरवल ए बी पे डिफ्रेंसिबल होगा। चलिए कुछ और एग्जांपल करते हैं। ये एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, सो डैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन वन बाय एक्स वेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो वेन एक्स इज इक्वल टू जीरो इज डिफ्रेंसिबल एट एक्स इक्वल टू जीरो एंड एफ डैश जीरो इज इक्वल टू जीरो। देखिए, अगर यहाँ पर अभी अगर हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये हो जाएगा अपना लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो अपॉन माइनस एच। अगर हम लोग डिफिनेशन यूज करें तो माइनस एच को अगर फंक्शन में रख देंगे तो ये हो जाएगा अपना माइनस एच स्क्वायर साइन वन बाय माइनस एच, और ज़ीरो पे तो ज़ीरो दिया हुआ है, माइनस ज़ीरो अपॉन माइनस एच। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा अपना लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एच साइन वन बाय एच, और एच लिमिट यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। सिमिलरली अगर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो भी अपना क्या आएगा, ज़ीरो। तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर आ रहा है, तो इसलिए क्या होगा, डिफ्रेंसिबल होगा, और एफ डैश ज़ीरो का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सो डैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस ए इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन। मतलब जब एक्स वन या वन से छोटा है तो अपना फंक्शन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस ए, और जब एक्स ग्रेटर देन वन है तब अपना क्या दिया हुआ है, बी एक्स प्लस टू। अभी देखिए हम लोग वो थ्योरम यूज करने वाले हैं कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंसिबल है तो वो कंटिन्यूस भी होता है। तो अगर ये इच एक्स बिलोंग टू आर पे डिफरेंसिबल है, मतलब वन पे भी डिफरेंसिबल होगा, और वन पे डिफरेंसिबल है दैट मीन्स एफ एक्स वन पे कंटिन्यूस भी होगा, कंटिन्यूस है दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन होगा। तो अगर हम लोग ये डिफिनेशन यूज करेंगे तो अपना एक रिलेशन मिल जाएगा, बी प्लस टू इज इक्वल टू ए प्लस फोर। उसी प्रकार से अगर डिफ्रेंसिबिलिटी का डिफिनेशन यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई अगर हम लोग करेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, अपना लास्ट स्टेप में कुछ ऐसा आएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच माइनस फाइव अपॉन माइनस वन इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो बी एच प्लस बी माइनस ए माइनस टू अपॉन एच। यहाँ पर अगर हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में अगर लिमिट लगाएंगे तो फाइव आ जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर अगर हम लोग लिमिट लगाएंगे तो ये जो टर्म है बी माइनस ए माइनस टू,
इसको ज़ीरो होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये ज़ीरो नहीं हुआ तो इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगा, क्योंकि अगर ये जैसे ही ज़ीरो होगा तो ये आ जाएगा अपना बी एच अपॉन एच, और एच एच कट जाएगा तो अपना बी बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाइव। तो यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट होने के लिए सबसे पहला कंडीशन ये है कि बी माइनस ए माइनस टू होना चाहिए, ये ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अपना अगर कंडीशन देखें तो एक कंडीशन आ गया बी इज इक्वल टू फाइव, और ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम लोग देखें तो इक्वेशन फर्स्ट अपना क्या था, इक्वेशन फर्स्ट था बी प्लस टू इज इक्वल टू ए प्लस फोर, तो यहाँ से आ जाएगा ए इज इक्वल टू माइनस टू। तो अगर ए इज इक्वल टू ए का वैल्यू अगर निकालना रहे तो बी का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, तो यहाँ से ए का वैल्यू आ जाएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा ए इज इक्वल टू बी माइनस टू, डैट मीन्स फाइव माइनस टू इज इक्वल टू थ्री। देखिए एक और बहुत ही सिंपल मेथड था, सिंपली क्या करते हैं, अगर उस फंक्शन को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस ए का डिफ्रेंशिएशन जो होगा वो अपना क्या हो जाएगा, टू एक्स प्लस थ्री, और बी एक्स प्लस टू का अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो बी एक्स का डिफ्रेंशिएशन बी हो जाएगा, टू का तो ज़ीरो हो जाएगा। तो डैट मीन्स अगर वन पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बात करें तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा, एक्स की जगह वन पुट कर दीजिए तो टू प्लस थ्री क्या हो जाएगा, फाइव, और राइट हैंड डेरिवेटिव किसके बराबर है, बी के बराबर, तो यहाँ से बी का वैल्यू डायरेक्ट फाइव आ जाएगा। और कंटिन्यूटी का डिफिनेशन यूज़ करेंगे तो वहाँ से तो ए का वैल्यू निकल ही जाएगा, तो यहाँ से बी का वैल्यू फाइव पुट कर देंगे तो ए का वैल्यू आ जाएगा अपना थ्री। थैंक यू।